नमस्कार, राम राम, खमा गणी, मिच्छामी दुगड़म, खेद प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आ बात हूँ ई वास्ते करूँ के दो दिनों हेमा राम चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाषण माते देखो है कंट्रोवर्सी होगी और लोग सोशल मीडिया माते तरह तरह की टिप्पणी करे हा। इन लेन हेमा राम जी इतना आत होया के सोशल मीडिया माते वीडियो जारी कर और आत होने वाले लोगों खेद प्रकट कियो के मारे शब्दों मारी भावनाओं अगर किने भी की तरीके की खेद पूछी है, तकलीफ पूछी है, तो मैं खेद प्रकट करूं, क्षमा प्रार्थी हूं, मिच्छामी दुगड़म हैंग लोगों आ और बड़ो दिल हेमा राम चौधरी दिखायो। हूँ आप बात नहीं कहूँ कि हेमा राम जी के शब्द हूँ किंगी भावना आत नहीं और हो सकता है भावना आत हुई और सोशल मीडिया माते गदर मचुड़ो हो ई भाषण माते ले पूरे दिन तरह तरह की सोशल मीडिया का जगह योद्धाओं की टीम है जको ने हर हाथ ने रोजगार है वह योद्धा पूरे दिन मैदान में ई माते लगू रहा। हालांकि कोई बड़े प्रतिष्ठित या जकर समाज की जिम्मेदारी है एड़े लोगे कोई बयान नहीं करियो लेकिन कई जगह जगह है समाज रे लोगों ने आ भावना अगर आत हुई तो बो बैठन प्रस्ताव लेने की खबरों भी आई ही। लेकिन हेमा राम जी एक नई शुरुआत कर दी कि अगर समाज रे मोरवण वाला खास लोग है अगर बे कोई भी बात करे भी भावना आत हुए या पूरे समाज में कोई भी लोग अगर किसी तरीके की टिका टिप्पणी करे तो समाज के मुखियों ने या तो खेद प्रकट करना चाहिए दूसरे समाज के प्रति है भले ही वो सामाजिक धार्मिक कोई भी भावना भड़का हुआ है या खुद ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो एक बड़ी शुरुआत हेमा राम चौधरी करी है। हमें थोने बात बताऊं हेमा राम जी रे ब्यौन माते हेमा राम जी रे ब्यौन में हो सके मारवाड़ी में मजाकिया अंदाज में जकी बात है कहीं कहीं ही भी मैं उदाहरण ले हो सके कि नाव ले लियो और भी बजे हूं जकी बात है बाकी नहीं खराब लगी तो भी माफी मांग ली और वो जो चैप्टर है वो हमें क्लोज हो चुकी है हो जानो चाहिए मेरे बाद में जबकि सोशल मीडिया माते टिक्का टिप्पणी है और माते वो समाज रे लोगों ने समझा और अपने भटगुड़ा राज का युवा है बोने हमें समझदारी काम लेना चाहिए और कोई भी समाज है मेरे बीच में द्वेष भावना नहीं बढ़नी चाहिए और मिल और हैंगो नहीं आगे बढ़ना चाहिए और चुनाव है इंग मो हल्की फुल्की मजाक और इस तरीके का शब्द बाण छोड़िया करे। मैं लाले कई सालों जकी है थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखूं और जिला मुख्यालय माते 20-30 सालों हूं। मैं कई राजनेताओं का बड़ा बड़ा बयान देखा गोली मारने तक के शब्दों को इस्तेमाल करने का बयान भी मैं हुआ लेकिन कोई राजनेता या समाज में एक समाज के दूसरे समाज के प्रति बड़ी बड़ी टिप्पणियों करी ठीक है मुकदमा भी दर्ज होया लोग जेल गया परा अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो गया और कितो भी मोटो अपराध हो सामाजिक अपराध हो या बोली को अपराध हो या कोई मिलावटखोरी को अपराध हो या कमीशनखोरी को हो इस तरीके की कोई भी कम तोलने को अपराध हो या कूक करते हो सामाजिक अपराध की श्रेणी में आने वालों भले ही मुंडो काड़ो करा लियो लेकिन लोगे एक मंच मात बैठ और अस्वीकार को कियो नहीं कि मारे समाज में होटलने वाली घटना जगी है इनके लिए मैं समाज रा मुखिया जिम्मेदार हूँ। अगर समाज माते टिप्पणी करने हूँ तकलीफ होए तो अपने समाज कुकर्म कियो है दुष्कर्म कियो है अपने समाज रे लोगे मुंडो काड़ो कियो है अपने समाज रे लोगे टिका टिप्पणियों करी है कि 80 साल के बुजुर्ग के बारे में तो भाई मैं भी इन तरीके के लोगों ने हम जा दो या समा प्रार्थी कर दो या समाज में इन तरीके का जका है कुंठित मानसिकता रा लोग है वो लोगों को सामाजिक बहिष्कार करो या समाज भी ने सामाजिक तौर माते के दंड दई। आ बात आज पहला हों में नहीं आई लेकिन एक 80 वर्षीय जाड़ समाज रा बुजुर्ग हेमा राम चौधरी ने सोशल मीडिया माते आ चीज चली तो हेमा राम चौधरी इतना आत होया और मारे भी चर्चा हुई तो हेमा राम जी कहो कि भाई आ जगह सोशल मीडिया वाली बात है मैं तो हंसी मजाक में कियो और नाव लेनो हमेशा तो हूं लू एक आदमी मारे जड़ो हो और बात सूट जिए हमके मैं कि नाव ले लियो। हालांकि राजा महाराजा में भरतपुर का महाराजा भी हा और भरतपुर में जाट महाराजा हा हिंदुस्तान भर में अगर राजा महाराजा हा तो बोंगी अलग अलग जाति धर्मरा लोग भी महाराजा होता हा कठे मुसलमानों को भी राज होतो कठे हिंदुओं रो राज होतो कदे जाटों रो तो कठे राजपूतों रो अलग अलग क्षेत्रों में हो
दूसरी बात जगी टिका टिप्पणी करी बा टिप्पणी आई कि युवा वर्ग के भटकाव सामाजिक तानो बानो टूटने ने ले और हिमाराम जी चिंता व्यक्त करी कि तरीके हूं कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, आज अपनी बेटियों की संख्या घट गई, आज बहुओं अपन है बारू लानी पड़े पैया दे लानी पड़े और पछे अखबार में आवे के लुटेरी दुल्हन ने गहने समेत फरार। तो लुटेरी दुल्हन जगी बने हैं पैया दे नो ले नो तानो बानो टूट जे अपनी कन्याओं की संख्या घट गई अपन सामाजिक तानो बानो राखनो है एड़ी खरीद लौड़गी बहुओ अपने नहीं रहे जाती रही। आ एक सामाजिक चिंता क्योंकि 80 वर्षीय आदमी राजनीति में 50 साल हूं जाट समाज का इतना बुजुर्ग आदमी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हेमाराम जी आत्माओं भी आज तक कीरे खिलाफ कोई बयान नहीं दियो। हेमाराम जी ने कहीं भी समाज में लोग है वे 37 वर्ण का सभी धर्मों का लोग है बड़ी इज्जत की दृष्टि देखे लेकिन हेमाराम जी के मुंह आज चीज निकली और हेमाराम जी जगह मोबाइल को इस्तेमाल करे वो आगे नैनियो मोबाइल है भी में खाली घंटी आवे आज तक स्मार्टफोन ना तो हेमाराम जी देखे ना बात लेकिन आ बात हेमाराम जी रहो में और एक कार्यकर्ता बताई कैसा आप री जगी बात ही मेरे माते तो गदर मच गयो है। हेमाराम जी ने ठा पड़ते ही तुरंत आपरे माफी मांग लेनी और भाई हेमाराम जी कहे हूं तो 20 बार मांग लू किसी जान मांगनी है तो मांग लू अखबार में विज्ञापन दे दू माऊ भाई नाराज बूढ़े आदमी क्यों हो मैं मेरे कोई भावना नहीं भड़काई। हालांकि हेमाराम जी के शब्द जको भी हो जगह ने भी तकलीफ हुई मेरी माफी मांग ली मेरे बाद में ये चीज मात्र टिका टिप्पणी और चैप्टर क्लोज होना चाहिए लेकिन एक सामाजिक ताने बाने में हेमाराम जी राजनीति में जकी परिपक्वता दिखाई है जिन तरीके हूं आ गया और अपने समाज में विभिन्न नहीं फैले कोई भावना नहीं भड़के लोग नाराज नहीं हुए और अगर बुजुर्ग आदमी है वो अगर बड़ो दिल दिखावे तो हैंग ही लोगों ने आगे आ बड़ो दिल दिखा और जगह जगह समाज के लोगे टिप्पणी करी है दूसरे समाज के बारे में दूसरे धर्म के बारे में और समाज में कुकर्मी दुष्कर्मी मुंडो काला कन्नाड़ा एड़े हैंग ही लोगों के लिए समाज री मीटिंग हो और बे आप रे समाज रे मो एड़ा काम करनी है लोगों हारू माफी सार्वजनिक मांगेला आ नई परंपरा हरू होला और हेमाराम जी ने जगिया शुरुआत की है हर समाज में बैठको हो और भी समाज में जगह भी लोग है वो हैंगो लोगों के प्रति समाज पूरा जिम्मेदार बनेला आगे टिका टिप्पणी नहीं होवेला चुनाव रो माहौल है कोई धार्मिक भावना नहीं भड़केला सामाजिक टिका टिप्पणी नहीं होवेला और जोरदार वातावरण पासो बनी और उम्मीद है कि आने वाले समय में समाज का मुखिया प्रबुद्ध जन और जका हेमाराम जी जरा चिंतक है वे लोग एक टेबल माथे बैठ और आप रे पूरे समाज री लोग है अच्छाई भी बह लेला और बुराइयों के लिए खेद प्रकट करेला और बे मिच्छा में दुगड़म बोलेला और माफी मांगेला। हेमाराम जी सार्वजनिक रूप हूँ आप रो वीडियो जारी कर माफी मांग ली है हमें हैंग खुश हो गया वेला खुश हो जानो चाहिए भावना आत हुई बा हमें ठीक हो जानी चाहिए और जका जका समाज में लोग है और दूसरे भावना भड़कावे धार्मिक भावना भड़काड़े जको सोशल मीडिया माते ऑडियो वीडियो जका बयान चले वो हैंग ही बयानों के प्रति वे जिम्मेदार होवेला आज के बाद में नई शुरुआत होवेला और देखनी बात आ हुई कि एक दो दिन में बड़ा समाज जगह है वे बैठ और हम अपने समाज के कृत्य करने वाले कुकृत्य करने वाला वो लोगों हारू खेद प्रकट करी के कार्रवाई करे आ तो देखने की बात है। हालांकि हेमाराम जी को बयान के है ना तो भी बयान ने मैं सही ठहरा हूं क्योंकि भी बयान में कहीं न कहीं चीज ही भी बयान पर है हेमाराम जी माफी मांग ली तो ई माते विराम लग जानो चाहिए यूं मोटा मोटा बयान हा लेकिन नेताओं ने माफी मांगते मैं कदे नहीं देखा एक 80 वर्षीय जाट समाज का कांग्रेसी नेता माफी मांगता सार्वजनिक रूप से क्योंकि उसे आस हो गई भावना खुद रे बात समझ में आई कि ई उम्र में मारी वजह कोई आदमी नाराज हो कि समाज में गलत संदेश जाए और नहीं जानो चाहिए व्यक्तिगत शब्द हेमाराम जी कहो कि टिप्पणी मेरी व्यक्तिगत माफी मांगू व्यक्तिगत और हमें भाई माफ कर दियो आज फसे ही मात्र का टिप्पणी नहीं कहियो एड़ो बड़ो दिल हैंग लोग दिखावेला देखता रहो तेजल मीडिया राम राम साहब।